एवरी मंथ आती हूं मैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस डॉक्टर का EWS गुड ये पर सबको मिलना चाहिए सब ऑल शुड गेट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट है ये भी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है तो नेशन की प्रॉपर्टी है यू आर हेल्दी नेशन इज हेल्दी नहीं तो व्हाई यू शुड स्पेंड ऑन इट दिस इज ऑलवेज आई से व्हाई वी शुड स्पेंड नहीं व्हाई नहीं है मेरी बात में if you have to come once in a while, like once in a blue moon to hospital, it's worth to spend. But if you are supposed to come every month, then depend करता है ना मतलब patient की अपनी उसके ऊपर depend करता है ना somebody needs every day. तो मैं daily के hospital को देखना possible नहीं है. मतलब ये जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं किडनी फेलियर और बॉर्न चाइल्ड होता है उसका किडनी फेलियर वो देखने को मिलता है ये ऐसा क्यों है मतलब भाई और भाई स्प्रेडिंग इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है डायबिटिक है ना उनमें ज्यादा है सी आल्सो डायबिटिक कैसे हो कब से हैं आप दाखिल पता है नहीं पता है कहाँ रहते हैं पता है नाम क्या है आपका ये पता है नाम पता है क्या नाम है उषा ठीक हो जाएंगे आप कोई बात नहीं है देखते हैं क्या करेंगे सर ट्रांसप्लांट है कुछ केस है कंजर्वेटिव भी देंगे अच्छा अच्छा ये क्या क्यों हुआ ये वही खाने पीने का लाइफ स्टाइल क्या काम करते हैं आप मजदूरी करते हैं कहाँ पर रहते हो ठीक हो जाओगे कोई बात नहीं पहले भी ट्रीटमेंट हुआ है इनका सीटी रिपोर्ट एम्स में शुरू से ही मेरे ख्याल तब से जन्म लिया होगा करेक्ट तब से ही अंडर ट्रीटमेंट होगा ये दो तीन साल बाद ये प्रॉब्लम हुई जेनेटिक प्रॉब्लम उसका दूसरा बच्चा भी डाउन सिंड्रोम और क्या कहते हैं वो हाइपर जेनेटिक प्रॉब्लम बहुत वीक है हाथ में क्या हुआ है ये सर नहीं नहीं सर ये क्या होता है ना कि ट्यूब नहीं खींच ले अच्छा अच्छा क्या होता है कि रिस्ट्रेन कर देते हैं ओके 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 दोनों हाथ पे रिस्ट्रेन किए हुए हैं ट्यूब नहीं खींच ले दिक्कत आ जाएगी यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एक्सट्यूबेशन ब्रांड किया हुआ तो इसको बेसिक प्रॉब्लम क्या राइट ना होगा चेस्ट अच्छा चेस्ट